तो भाई अभी आ गई हूँ मैं अपने कमरे में और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने को है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी सामान है, यहाँ भी सामान है, यहाँ भी सामान है और ये बानू का गुड्डू है। तो अब मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करनी होगी। बाकी आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी हुई है, तो मम्मी ने मुझे 2 सूट दिए हुए हैं। तो शॉपिंग मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ही करी हुई थी। तो ये 2 सूट रह गए थे जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने और भी सूट मुझे दिए हुए हैं गिफ्ट्स में, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज जा कर के मुझे इतना टाइम मिला है कि मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कशन कर लूँ कि ये है भी अच्छे या नहीं। तो ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है लेकिन मम्मी ने मुझे दिया है तो फिर कोई बात नहीं, मैं इसको सिलवा लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के सूट्स हैं यहाँ पे। एक रहा ये जो कुछ इस तरह का कलर है और देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, वो और वैसे भी मुझे ये अच्छा तो लग रहा है। गरम सूट है ये, तो ये मम्मी ने लिए हुए थे सरका घाट में। तो मैंने उस दिन बोला था कि मैं 2 सूट वहाँ से लेके नहीं आई थी, तो ये नेक्स्ट दिन पापा ने भिजवा दिए थे। ये है इस तरह का और इसकी जो सलवार है वो कुछ इस तरह की है, ये वाली है इसकी सलवार और ये वाली है इसकी कमीज। बाकी दूसरा सूट ये रहा जो कि मेरा फेवरेट कलर है, मरून कलर। तो ये है मरून कलर का एक सूट, तो इसकी तह मैंने बिल्कुल खोल दी थी। मैं इसको देख रही थी कि मैं इसको सिलवा दूं, तो मैंने देखा तो इसके साथ स्टॉल भी साथ में ही है और इस तरह का ये सूट है। तो ये 2 सूट मम्मी मुझे दे गए थे जब मैं मायके गई हुई थी, लेकिन मैंने इनको छोड़ा पा रही था क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया था और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि मैंने इनको सिलवाना है। तो फिर नेक्स्ट दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो अपने पास से चाहिए, तो फिर मैंने पापा से ये मंगवा लिए थे। तो ये रहे भाई मेरे 2 सूट इस तरह के हैं। बानू को एक सूट सिलावा था जिसकी मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई थी, तो वैसा ही सूट मैंने अपने लिए भी सिला हुआ है। तो ये मैं कल लेके जाऊंगी स्कूल, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बानू ने भी इसी तरह का ड्रेस पहना हुआ था, पूरा सेम टू सेम। तो वो मैंने इसीलिए बनाया था कि जब मैं इसको पहनूंगी तो बानू को भी उसका ये ऐसा वाला ड्रेस पहनाऊंगी और हम दोनों सेम सेम ड्रेस पहनेंगे। तो इसका प्लाजो नीचे रह गया है, प्लाजो है इसका इस तरह का ब्राउनिश कलर का, इस तरह का ये वाला। तो ये मैंने खुद सिला हुआ है, तो फिर मैं कल बताऊंगी कि ये किस तरह का है। बाकी गला मैंने इसका वोट गला मैंने इसका बनाया हुआ है, तो ऐसे पता नहीं लगेगा। तो जब मैं इसको वेयर करूंगी तभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगी कि इस तरह का सूट मैंने सिला हुआ है। बाकी चलिए मैंने आप लोगों के लिए और कुछ भी लाया हुआ है। यूं ही बने रहिए मेरे चैनल में, आई होप आप लोग मेरा चैनल इंजॉय कर रहे होंगे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर चैनल्स देख रहे हैं। तो चलिए यूं ही बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ और भी चीज़ें डिस्कशन करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिटू में। तो कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज क्या बनने वाला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आटा मैंने यहाँ गूंथ के रख दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है साग बनाऊँ। साग और चपाती मैंने आज बनानी है। और भाई हिमाचल में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बारिश हो नहीं रही है ढंग से और सूखी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी मुझे बनाने हैं चपाती, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या क्या बनने वाला है डिनर में, किस तरह का बनने वाला है। तो अभी मैंने साग जो है उबाल करके रख दिया है, काट करके अच्छी तरह से धो करके, तो उसको मैंने उबाल करके रख दिया है। अब बारी है सिर्फ तड़का लगाने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि साग की प्रोसेस बनाने की क्या है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अभी। ये देखिए आग मैंने जलाई हुई है और कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। बाकी मैंने पिछले कल भी ब्लॉग डाला हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिए ब्लॉग, क्योंकि आप ही के लिए लेके आए हैं ब्लॉग, तो आपको तो देखना ही है।
बाकी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, मैंने कल भी बोला था। अगर अच्छे लगे ब्लॉग तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए किया कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से काट लेते हैं प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि इसी का तड़का लगने वाला है। और तड़का लगेगा आज देसी घी में, आज क्या मतलब हम तो देसी घी में ही तड़का लगाते हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए बनाते। मुझे एक याद और आई कि मम्मी के कपड़े हैं ऊपर लेंटर पे, तो मुझे वो भी लाने पड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से पहले उन्हीं को ले आती हूँ, क्योंकि फिर ओस गिरती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी चलिए मैं लेंटर से आपको मौसम का नज़ारा भी बताती हूँ कि किस तरह का मौसम है। हाँ भाई, मौसम का हाल चाल। ओ शीट पर कपड़े तो उठा दिए गए हैं, रह गए हैं यहाँ पे सिर्फ मेरे बच्चों का ब्लैक बोर्ड। तो मैंने सोचा कपड़े यहीं पे होंगे, तो जल्दी जल्दी से मैं आई थी यहाँ पे। तो चलिए यही नीचे लेके चलते हैं, और तो यहाँ कुछ है नहीं। बाकी मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखिए। और बानू है अपनी छोटी अम्मा के घर। की प्याज मैंने काट लिया है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे अदरक भी है रखा हुआ है। तो लहसुन मुझे नहीं मिला, शायद खत्म हो गया है, तो लहसुन मैं इसमें आज ऐड नहीं करूंगी। अगर आपके पास है कभी साग बनाए तो लहसुन भी ऐड किया कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। कि ये मैंने कढ़ाई यहाँ पे रख दी है, अब बारी है इसमें घी डालने की। तो ये रहा हमारा देसी घी का डब्बा। तो ये देसी घी मम्मी अपने हाथों से बनाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई में देसी घी, और फिर लगाएंगे तड़का। तो ये रहा भाई देसी घी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें डालूंगी मैं सूखा धनिया, थोड़ा सा हम लोगों ने ऐड करना है जीरा, एक हमने साबुत मिर्च भी इसमें डालनी है। और तो भाई ये लगा दिया मैंने साग को भी तड़का, तो साग भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से चपाती भी बना लेते हैं। तो ज़्यादा चपातियाँ नहीं बनानी है मैंने, सिर्फ 7-8 चपातियाँ ही बनानी है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।